हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं निमेश चौबे। ग्रेट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप सभी ने कभी वायरस को देखा है? दोस्तों, मैं यहां पे कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे स्मार्टफोन के वायरस की बात कर रहा हूं। दोस्तों, जब से स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है दोस्तों, तब से आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि स्मार्टफोन में वायरस आ जाने के बाद हमारा स्मार्टफोन करप्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, या फिर उसे हैक कर लिया जाता है। दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी वायरस को दिखाने वाला हूं और आप ये लाइव देख पाएंगे कि आखिर ये वायरस होता कैसा है और ये दिखते कैसे हैं। दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि हमने बहुत सारे वायरस के बारे में सुना है, कोरोना वायरस के बारे में सुना है, हम उसे सूक्ष्मदर्शी या अन्य उपकरण के साथ उसे देख भी सकते हैं, लेकिन ये स्मार्टफोन का वायरस क्या होता है आज तक हमने इसे देखा ही नहीं है। काफ़ी सुनते आ रहे हैं कि वायरस होता है स्मार्टफोन में, वायरस काफ़ी होते हैं और हमारा स्मार्टफोन वायरस के चलते करप्ट भी हो जाता है और कई सारे हैकर जो होते हैं वो वायरस के जरिए हमारा स्मार्टफोन हैक भी कर लेते हैं, लेकिन हमने इन बातों को अभी तक सुना है, हमने देखा नहीं है कि वायरस आखिर होता कैसा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वायरस को दिखाने वाला हूँ, वो कोरोना वाला वायरस नहीं। मैं यहाँ पे आपको स्मार्टफोन में या फिर जो कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और आपका स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है या फिर आपका स्मार्टफोन हैंग होने लगता है, करप्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, हम उस वाले वायरस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर ये वायरस होता कैसा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको वायरस को देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये वायरस है क्या। मैं आपको सबसे पहले आसान शब्दों में बता देता हूँ कि आखिर ये वायरस है क्या। दोस्तों, हमने काफ़ी सुना है कि अगर ये हमारे स्मार्टफोन में आ जाए तो हमारा स्मार्टफोन ही करप्ट हो जाता है, हमारा स्मार्टफोन ही हैक हो जाता है। तो दोस्तों, ये आखिर आते कहाँ से हैं और आखिर ये है क्या? तो सबसे पहले हमें इसके हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में समझना होगा, इसके डिफिनेशन के बारे में समझना होगा और ये समझना होगा कि आखिर ये वायरस है क्या, तभी हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, हम इसके गहराई तक जा सकते हैं और इसे हम देख सकते हैं और आप भी इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये वायरस क्या है। दोस्तों, यदि हम वायरस को आसान शब्दों में डिफाइंड करें तो ऐसी कोई भी फाइल जो आपके स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं उसे हम लोग वायरस की कैटेगरी में रखते हैं। चाहे वह फाइल आपका कोई एप्लीकेशन हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, या फिर कोई आपका वीडियो फाइल हो, चाहे वह आपका कोई ऑडियो फाइल हो, या फिर कोई आपने कोडिंग करके रखा है XML फाइल हो या फिर HTML फाइल हो, चाहे वह आपने खुद बनाया है या फिर कहीं से डाउनलोड करके रखा है। दोस्तों, इसे हम लोग वायरस की कैटेगरी में रखते हैं और कोई भी ऐसी जो चीज़ जो आपके स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर में जो आपके स्मार्टफोन और कंप्यूटर को हार्म कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, तो उसे हम लोग वायरस की कैटेगरी में रखते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग ये समझ गए होंगे कि आखिर ये स्मार्टफोन के वायरस हैं क्या। ये वायरस बेसिकली आपके स्मार्टफोन का कोई एप्लीकेशन हो सकता है या फिर आपके स्मार्टफोन का कोई भी फाइल हो सकता है, चाहे वह XML फाइल हो या फिर HTML फाइल हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो जिससे आपका स्मार्टफोन हार्म करता हो, नुकसान पहुंचाता हो आपके स्मार्टफोन को, उसे हम लोग वायरस की कैटेगरी में रखते हैं। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारा सारा इंटरनेट ही कोडिंग पे डिपेंडेंट है। यहाँ तक आप जो साइट यूज करते हैं वो भी कोडिंग के द्वारा ही बनाया गया है, यहाँ तक आप जो एप्लीकेशन यूज करते हैं उसे भी कोडिंग के द्वारा ही बनाया गया है, और आप जो स्मार्टफोन यूज करते हैं इसमें भी बहुत सारी कोडिंग की ज़रूरत पड़ी है और इसमें भी बहुत सारी कोडिंग की गई है। दोस्तों, तो जब हम गूगल का यूज करते हैं, कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, तो ऐसे ही कई कोडिंग वाली ऐसी फाइल होती है जो हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो जाती है और उसे इंस्टॉल हो जाती है, जो कई बार हमें दिखाई नहीं देते और कई बार हमें दिखाई भी देती हैं। तो दोस्तों, इन्हीं फाइल्स को हम लोग वायरस कहते हैं जो डाउनलोड हो जाती हैं। कई ऐसी फाइल होती हैं जो खुद इंस्टॉल हो जाती हैं, हमें दिखाई नहीं दे पाती, और कई ऐसी फाइल होती हैं जो दिखने वाली होती है, कोई एप्लीकेशन होता है उसे हम लोग देख सकते हैं, बेसिकली उसे ही हम लोग वायरस कहते हैं। दोस्तों, जब हम गूगल का यूज करते हैं और किसी साइट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ ही कई सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, चाहे कोई XML फाइल हो, चाहे कोई कोडिंग हो। तो दोस्तों, कई सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जो हमें इंस्टॉल होने के बाद दिखाई नहीं देती है और कई सारे एप्लीकेशन होते हैं जो इंस्टॉल होने के बाद हमें शो करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी फाइल जो हमारे स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो और हमारे स्मार्टफोन को नुकसान पहुंचा रही हो उसे हम लोग वायरस की कैटेगरी में रखते हैं।
वो यहाँ पे कोई फाइल हो सकती है। जब आप स्मार्टफोन में इंटरनेट का यूज कर रहे हो और किसी भी फाइल को डाउनलोड कर रहे हो, उसके साथ भी वो डाउनलोड हो सकती है। दोस्तों ये वायरस कहीं ना कहीं ये कोडिंग ही है। कई बार क्या होता है कि किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आपके स्मार्टफोन में ये डाल दिया जाता है और वो एप्लीकेशन के थ्रू आपका सारा डेटा उस हैकर के पास चला जाता है जिसने उस एप्लीकेशन को क्रिएट किया है और ऐसे कोडिंग लगाए हैं जिसके थ्रू आपका डेटा वो आपके स्मार्टफोन से निकाल करके उस हैकर के पास पहुंचा दे। दोस्तों जब तक आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है और वो एप्लीकेशन आपके डेटा को सेफ रख रहा है, किसी को भी नहीं दे रहा है, तब तक वो एप्लीकेशन आपके लिए अच्छा है, सुरक्षित है। वही आपका डेटा वो किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो एक वायरस बन जाता है, उसे हम लोग एक वायरस कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी कोडिंग की गई होती है जिसका यूज वो आपके डेटा को निकाल करके किसी दूसरे पर्सन को भेजने का काम यहाँ पे कर रहा है। तो दोस्तों अब बेसिकली बात आती है कि आखिर ये वायरस होते कैसे हैं, हम वायरस को देख कैसे सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ पे हमने आपके सामने रख दिया। आप लोग अब तक तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि डेली लाइफ में हम जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो फाइल हम लोग डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, बेसिकली हम लोग उसे ही वायरस कहते हैं जब वो आपके स्मार्टफोन को नुकसान पहुँचाने लगता है। तो आप लोग ऐसे आसान शब्दों में समझ लीजिए, आपके स्मार्टफोन को नुकसान पहुँचाने वाली ऐसी भी कोई भी चीज़, चाहे वो एप्लीकेशन हो या फिर वीडियो हो या फिर ऑडियो हो या फिर कोई XML फाइल हो या फिर HTML फाइल हो, कोई भी फाइल जो आपके स्मार्टफोन को नुकसान पहुंचाए उसे हम लोग वायरस कहते हैं। और ऐसी कोई भी फाइल जो आपकी डेटा को किसी अनदर पर्सन के पास भेजे उसे भी हम लोग वायरस के श्रेणी में रखते हैं। कई बार क्या होता है ऐसे वायरस प्लांट किए जाते हैं जो आपके स्मार्टफोन में ही इंस्टॉल हो जाते हैं और आपको दिखाई भी नहीं देते। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ये वायरस होते कैसे हैं और ये देखने में कैसे होते हैं। दोस्तों आपके माइंड में बहुत समय से ये सवाल उठ रहा था कि आखिर ये वायरस देखने में कैसे होते हैं। दोस्तों ये वायरस बेसिकली हमारी फाइल ही है, हमारा एप्लीकेशन ही है जो हमारे स्मार्टफोन को नुकसान पहुंचाए उसे हम लोग वायरस कहते हैं। दोस्तों आप सभी इन वायरस को डेली लाइफ में डेली देखते हो, डेली यूज करते हो और आप लोग कभी कभी इन्हें समझ पाते हो और कभी कभी ये आपके डेटा को ऐसे ही ट्रांसफ़र करते रहते हैं, आपके स्मार्टफोन को ऐसे ही नुकसान पहुँचाते रहते हैं। हम लोग कई बार लालच के चक्कर में, कई बार पैसे कमाने के चक्कर में अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। वो एप्लीकेशन बेसिकली यही काम करती हैं, आपकी डेटा को इधर से उधर करती हैं और उसे भी आप लोग एक वायरस की श्रेणी में रख सकते हो, वायरस की कैटेगरी में उसे भी डिफाइंड कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है कि हम इस वायरस से बच कैसे सकते हैं, क्या हमें बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी जो इन वायरस को क्लीन कर सके। दोस्तों यदि आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे एंटीवायरस एप्लीकेशन के नाम से या फिर क्लीनर के नाम से तो ऐसे बहुत सारी आपके सामने क्लीनर की एप्लीकेशन आ जाएंगी। दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी क्लीनर एप्लीकेशन को रिकमेंड नहीं करूँगा, आप खुद अपने स्मार्टफोन को सेफ रख सकते हो। जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें तो आप उसे गूगल प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करें, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर खुद ही उसे स्कैन करके उन एप्लीकेशन को रखता है। और यदि आप क्रोम ब्राउजर से किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आप ट्रस्टेड साइट से ही इंस्टॉल करें। दोस्तों गूगल से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको अननोन सोर्स को टिक करना होगा, टिक करने के बाद ही आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे ही आप लोग उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तुरंत आप अपना अननोन सोर्स वाला ऑप्शन को अनटिक कर दीजिए। दोस्तों अनटिक करने के बाद बेसिकली होगा क्या, यदि आपके क्रोम ब्राउजर से कोई भी एप्लीकेशन बिना आपके परमिशन के डाउनलोड भी हो जाता है तो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अननोन सोर्स को अनटिक कर रखा है। तो आपको अननोन सोर्स को अनटिक करके रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ये वायरस होता क्या है, हम लोग वायरस को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहते हैं और यदि आपके मन में कोई सवाल या फिर सुझाव भी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोरोना से अपना ख्याल रखें।